देवउठनी 11 के अवसर पर भागवत कृपा सेवा समिति के तत्वावधान में प्रतिवर्ष होने वाले सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन रविवार को बेटमा नगर के मंडी प्रांगण में आयोजित किया गया, जिसमें 21 जोड़ों ने एक दूसरे को अपना जीवन साथी चुनते हुए यज्ञ बेदी की परिक्रमा कर एक दूसरे को अपना जीवन साथी चुना। भागवत कृपा सेवा समिति के संरक्षक एवं भागवताचार्य पंडित लोकेशानंद जी शास्त्री के सानिध्य में निःशुल्क रूप से आयोजित हो रहे 7वें वर्ष 21 जोड़ों ने सामूहिक विवाह सम्मेलन में हिस्सा लिया। शास्त्री जी विगत 7 वर्षों से अब तक 148 जरूरतमंद कन्याओं का निःशुल्क सामूहिक विवाह करवा चुके हैं। सामूहिक विवाह में प्रत्येक वर वधुओं को गृहस्थी का सामान समिति के द्वारा भेंट किया जाता है। सामूहिक विवाह के पूर्व वर वधुओं का चल समारोह भी निकाला गया था। कार्यक्रम में मुख्य रूप से विधायक उषा ठाकुर, भाजपा जिलाध्यक्ष चिंटू वर्मा सहित कई जनप्रतिनिधि मुख्य रूप से उपस्थित थे। संचालन गोपाल शारदा ने किया। आभार सत्यनारायण खंडेलवाल ने माना। बैटमा इंदौर से राजन सूर्यवंशी की रिपोर्ट। हम सबके मध्य में पुरुषोत्तम जी धाकड़ साहब है, वो भी थोड़ा सा ताकि लोगों का विवाह ज्यादा हो जाए और अगली बार के लिए भी 51 जोड़ों की घोषणा अभी से हो रही है। और देखो मंच पर अभी जाना है। सावधान वर वधु। एक बार और भगवान विष्णु, मैं आप सबको कोटि कोटि शुभकामना देती हूँ, आयोजकों का धन्यवाद करती हूँ। आपके स्वावलंबन, आपके स्वाभिमान को मेरा प्रणाम है कि आप इतनी संकल्पित होकर इन कन्यादान विवाह का आपने आयोजन किया। बहुत पुण्य कार्य होता है, एक गृहस्थी का बसाना, एक कन्या के पावन, ये दान नहीं है। दान तो कन्या का हम कर ही नहीं सकते, ये दान जो ले रहा है उस पर उस परिवार का। समिति के सभी पदाधिकारियों को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, उनका अभिनंदन करना चाहती हूँ कि समाज को प्रेरित करके आज तक वो 148 जोड़ों का विवाह करवा चुके, इस बार 21 जोड़ों का यहाँ विवाह हो रहा है। और जो उनका संकल्प है कि वो एक संस्कृत पाठशाला जिसमें सभी सामाजिक समरसता का केंद्र बने, सभी समाज के बच्चे उसमें शिक्षा प्राप्त करें, ऐसे पावन कामों से जुड़ना चाहते हैं। मैं उनका कोटि कोटि अभिनंदन करते हुए उन्हें बधाई देना चाहती हूँ कि आप इन पावन कामों में आगे बढ़ें, हम सब आपके साथ सहयोगी के रूप में खड़े हैं। श्री राधे, सामाजिक समरसता को किए लेकर किए जा रहे निःशुल्क सामूहिक विवाह सम्मेलन का यह सप्तम वर्ष है। इस बार 21 जोड़ों का निःशुल्क सामूहिक विवाह सम्मेलन भागवत कृपा सेवा समिति के तत्वाधान में किया जा रहा है। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, सब लोग भागवत कृपा सेवा समिति का सहयोग करें, ऐसी आशा। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। देखिए, भागवत सेवा समिति के माध्यम से हमारे भागवत के विद्वान पंडित श्री लोकेश जी के द्वारा प्रतिवर्ष अनुसार ये सामूहिक विवाह का कार्यक्रम किया जाता है। और सबसे बड़ी बात इसमें है कि जो जगत गुरु रामानंदाचार्य जी ने कहा है कि जाति पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। सामाजिक समरसता जिसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रखते हुए भागवत समिति और श्रीमद् भागवत में तो भगवान श्री कृष्ण का सिद्धांत है कि वसुदेव कुटुंबकम, उस सिद्धांत को प्रतिपालित करते हुए हमारे भागवत सेवा समिति व उसके सभी अनुयायी सभी सदस्यगण मिलके जो इतना सुंदर कार्य कर रहे हैं, इसके लिए मैं पूरी समिति के लोगों को, इस बेटमा नगर को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूँगा। और जगतगुरु रामानंदाचार्य जी के सिद्धांत को ही आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि आज देश में जो है सभी लोग जातियों के नाम पर, पंथों के नाम पर जो बटे हुए हैं उनको एकत्रित होने की आवश्यकता है और जगतगुरु रामानंदाचार्य जी सिद्धांत को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। इसलिए पुनः इस समिति को बहुत बहुत साधुवाद। जय जय सियाराम। ये भागवत कृपा सेवा समिति
जो लोकेश्वरानंद जी महाराज जी के माध्यम से जो समिति चल रही है ये बहुत ही सराहनीय है और ये सतत 7 वर्षों से जो निःशुल्क कन्याओं का विवाह करते हैं इसलिए ये बहुत बहुत सराहनीय बहुत सुंदर आयोजन होता है। और इनके संग संग में जो इनकी जो टीम है भागवत कृपा सेवा समिति की जो समिति है वो भी इतने अच्छे अच्छे लोग जुड़े हैं, महाराज जी ने जोड़े हैं जो इस आयोजन को हर साल करते हैं। और मैं जो भी समिति के जितने भी सदस्य हैं यहाँ पे जुड़े हुए उनको सबको साधुवाद देता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।